हाई स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी एंड इन टूडेज सेशन मैं आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो इस साल के लिए PhD एडमिशन टेस्ट होने वाली है, उसमें जो रिसर्च मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टूडेज सेशन हम नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथिस के बारे में देखेंगे बाई यूजिंग MCQs। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथिस है। एंड बेसिकली नल हाइपोथिसिस को हमेशा रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथिसिस एंड अकॉर्डिंगली रिजल्ट हम बनाते हैं और कंक्लूड करते हैं। दैट्स वाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनके ऊपर आपको हमेशा काफ़ी सारे MCQs PhD एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं। दैट्स वाई इसको लेकर जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट इस बेगिन विद दिस सेशन। सो आप सभी को तो पता है AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे PhD एडमिशन टेस्ट होने वाली है फॉर दिस ईयर, जिस टेस्ट को सभी को देना है। एंड इस टेस्ट में आपको 50% MCQs रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% MCQs आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड आप सभी को 50% या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करना है तब भी आप PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। सो इसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके PhD एडमिशन टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs। दैट्स वाई आपके ओवरऑल इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप जान सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो। एंड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एडमिशन टेस्ट एट AMU। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए कौन से भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इन कम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स जो है विच इज़ नथिंग बट अ रिसर्च मेथडोलॉजी रिविजन पैकेज, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करके PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट स्टार्ट विद आर टूडे सेशन। नाउ द क्वेश्चन वन इज अ हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स जीरो डिफरेंस और नो डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू इज नोन एज। सो इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस ऐसा है जो हमें बताता है या फिर प्रेडिक्ट करता है कि पैरामीटर एंड उसके अज्यूम्ड वैल्यू के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है या फिर उनके बीच में जीरो डिफरेंस है। सो वेदर इट इज़ सिंपल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज़ डिरेक्शनल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज़ नॉन डिरेक्शनल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज़ नल हाइपोथेसिस। सो स्टूडेंट्स, पैरामीटर का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू। सो जो वेरिएबल की वैल्यू हम लोग असल में ऑब्जर्व करते हैं एंड जो वैल्यू हमारी अज्यूम्ड वैल्यू होती है, सो उनके बीच में अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है या फिर उनके बीच में अगर जीरो डिफरेंस है, अगर ऐसा कोई भी हाइपोथेसिस हमें स्टेट करता है देन उसे क्या कहा जाता है। सो सिंपल हाइपोथेसिस ये एक हाइपोथेसिस का टाइप है, बट ये हमें बताता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू, यानी कि ये हमें बताता है कि देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, सो इसका दूसरा मतलब यही है कि पैरामीटर एंड उसके अज्यूम्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस है। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डिरेक्शनल एंड नॉन डिरेक्शनल हाइपोथेसिस ये दोनों भी ऑल्टरनेटिव और रिसर्च हाइपोथेसिस के टाइप्स है। सो डिरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें यही बताता है कि देर इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट
उसके अलावा ये हमें डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन के साथ आपके रिजल्ट्स जाएंगे, यानी कि वेदर राइट टेल्ड या फिर लेफ्ट टेल्ड या फिर पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट्स। एंड वैसे ही नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी हमें यही बताता है कि देर इज रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट ये हमें किसी भी तरीके का डायरेक्शन नहीं बताता है। एंड दैट्स वाई ये दोनों भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। सो योर बचा हुआ ऑप्शन है नल हाइपोथेसिस, विच इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज नल हाइपोथेसिस इज द ओनली हाइपोथेसिस जो हमें बताता है कि देर इज जीरो डिफरेंस और नो डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू। एंड हम लोग रिसर्च में सिर्फ नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इन हिज और हर स्टडी एंड एक्सेप्ट्स द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज लाइकली। अगर कोई भी रिसर्चर सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है, देन किस प्रकार की एरर वहाँ पे आ सकती है। सो वेदर इट इज टाइप वन एरर, वेदर इट इज टाइप टू एरर, वेदर इट इज बोथ टाइप वन एंड टाइप टू एरर, या फिर दोनों भी नहीं, टाइप वन नॉर टाइप टू एरर। सो स्टूडेंट्स, नल हाइपोथेसिस को जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं देन उसमें दो प्रकार के एरर्स आ सकते हैं, जिसमें से पहला एरर है टाइप वन एरर एंड दूसरा है टाइप टू एरर। सो टाइप वन एरर आता है जब नल हाइपोथेसिस ये सही होता है। ओके, द वैल्यू ऑफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट स्टिल हम अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तब। एंड टाइप टू एरर आता है जब नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स होता है और उसकी वैल्यूज ये झूठी होती है, बट स्टिल अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो। सो इस एग्जाम्पल में आपको यही पूछा है कि अगर नल हाइपोथेसिस सही है बट स्टिल अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो एंड आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो, देन ऑब्वियसली वहाँ पे टाइप वन एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे टाइप वन एरर ही आएगा। सो दोनों ही प्रकार के एरर्स कभी भी रिसर्च में साइमल्टेनियसली नहीं आते, यानी कि टाइप वन एंड टाइप टू एरर। एंड टाइप वन एरर नॉर टाइप टू एरर ऐसा भी कभी होता नहीं है, इधर कौन सा भी एरर आता है रिसर्च में। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम सभी को एएमयू पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर टू का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर टू यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट सेक्शन में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर टू में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर टू का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इफ़ यू वॉन्ट स्टडी मटेरियल फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर टू स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेज, आप स्क्रीन पर कौन से भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर टू स्टडी मटेरियल आप सभी को पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट उसी के साथ वो आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक के बारे में पूछे जाते हैं। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड। सो अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्टेबल है एंड अगर नल हाइपोथेसिस फिर भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एंड उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे क्या कहा जाता है। सो वेदर इट इज़ कॉल्ड एज रिजेक्शन रेंज, वेदर डिमार्केशन और नॉर्मेटिव इंसिडेंस और पावर। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हाइपोथेसिस में अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है, ओके, अगर वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है। सो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस ऑब्वियसली फॉल्स होगा एंड दैट्स व्हाई आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एंड उसे एक्सेप्ट ना करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है और चांसेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इसे पावर कहा जाता है। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज पावर।
सो इन सिंपल वर्ड्स पावर का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टाइप टू एरर. ओके, बिकॉज जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टाइप टू एरर आती है जब नल हाइपोथेसिस की वैल्यू फॉल्स होती है एंड आप उसे फिर भी एक्सेप्ट करते हो. बट यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की वैल्यू फॉल्स है एंड आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे आप टाइप टू एरर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो. सो उस कोशिश की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे पावर कहा जाता है इन द सिंपल वर्ड्स. रिजेक्शन रेंज ये एक रेंज है जिसमें जितने भी सारे डेटा सेट्स के वैल्यूज होते हैं उन वैल्यूज पे अगर आप नल हाइपोथेसिस को फॉर्म्यूलेट करते हो देन इन दैट केस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है एंड दैट्स व्हाई इसे रिजेक्शन रेंज कहा जाता है. डिमार्केशन का मतलब होता है कि आप एक बाउंड्रीज असाइन करते हो और लिमिटेशंस असाइन करते हो. एंड नॉर्मेटिव इंसिडेंस इज द इंसिडेंस विच इज रिलेवेंट टू द नॉर्मेटिव डेटा. सो नॉर्मेटिव डेटा इसे रेफरेंस डेटा भी कहा जाता है जो कि आप रेफरेंस पॉपुलेशन से लेते हो. सो रेफरेंस डेटा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ये हमारे लिए कंट्रोल की तरह काम करता है. जब भी आप रिसर्च करते हो जो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है उसके रिजल्ट्स आप रेफरेंस डेटा के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली रिजल्ट्स में आपको क्या लिखना है. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4, दैट इज पावर. हाइपोथिसिस दैट इज ऑल्टरनेटिव टू नल हाइपोथिसिस इज रिप्रेजेंटेड एज. सो इनमें से कौन सा हाइपोथिसिस ऐसा है जो कि एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथिसिस है और जो कि एक नल हाइपोथिसिस का ऑल्टरनेटिव पार्ट है. सो वेदर इट इज एच जीरो, वेदर इट इज एच वन, वेदर इट इज एच ऑल्ट, वेदर इट इज एच नॉट इक्वल टू जीरो. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो प्रकार के कॉमन हाइपोथिसिस के टाइप्स होते हैं. उनमें से पहला है नल हाइपोथिसिस एंड दूसरा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथिसिस जिसे रिसर्च हाइपोथिसिस भी कहा जाता है. एंड दैट्स वाई नल हाइपोथिसिस का जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथिसिस है उसे ऑल्टरनेटिव हाइपोथिसिस कहा जाता है. ओके, सो नल हाइपोथिसिस स्टेट्स अस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू. बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथिसिस हमें बताता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू. सो अगर आपको नल हाइपोथिसिस को एक सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करना है देन उसके लिए आप एच जीरो इस सिंबल का इस्तेमाल करोगे. एंड अगर आपको ऑल्टरनेटिव या फिर रिसर्च हाइपोथिसिस को रिप्रेजेंट करना है देन उसके लिए आप एच वन या फिर एच ए का इस्तेमाल करोगे बिकॉज एच वन इज अपोजिट साइन फॉर एच जीरो एंड एच ए का मतलब होता है कि ए डिनोट्स फॉर ऑल्टरनेटिव. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2 ओवर हियर बिकॉज एच वन इज रिप्रेजेंटेड एज ऑल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस. यूजिंग एन अप्रोप्रिएट पैरामेट्रिक टेस्ट इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट द रिसर्चर फाइंड्स एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. इन डूइंग सो विच टाइप ऑफ एरर इज लाइकली. सो अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट में पैरामेट्रिक टेस्ट की मदद लेकर हाइपोथेसिस को बेसिकली नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो देन इन दैट सिचुएशन रिसर्चर को ये फाइंड आउट हुआ कि उसे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है. ओके, फोकस ऑन दिस. सो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट जब भी वो करता है देन इन डूइंग सो किस प्रकार की टाइप ऑफ एरर वहाँ पे आ सकती है, वेदर अल्फा एरर या फिर बीटा एरर या फिर बोथ अल्फा एंड बीटा एरर्स या फिर नीदर अल्फा नॉट बीटा एरर. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि दो प्रकार के एरर्स होते हैं. उनमें से पहला है टाइप वन एरर एंड दूसरा है टाइप टू एरर. सो यहाँ पे देखो अल्फा एरर एंड बीटा एरर है. सो लेट अस सी व्हाट इज दैट. सो स्टूडेंट्स, टाइप वन एरर आने की जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है उसे अल्फा कहा जाता है एंड टाइप टू एरर आने की जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उसे बीटा कहा जाता है. एंड दैट्स व्हाई अल्फा एरर इज रिलेवेंट टू टाइप वन एरर एंड बीटा एरर इज रिलेवेंट टू टाइप टू एरर. सो यहाँ पे जैसे ही आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो
सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टाइप वन एरर आने के ज्यादा चांसेस है, बिकॉज टाइप वन एरर में आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, ना कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो, बट टाइप टू एरर में आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो. ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे टाइप टू एरर की बात आती ही नहीं है. सो जैसे टाइप वन एरर इज रिलेवेंट टू अल्फा एरर, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी वन, दैट इज अल्फा एरर. रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, फॉल्स, नीदर, बोथ. सो जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, देन उसका कंक्लूजन यही होता है, या फिर उसका कंक्लूसिव प्रूफ यही होता है कि वेदर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये सही है या फिर गलत है, या फिर नीदर, मतलब दोनों भी नहीं, या फिर बोथ. सो स्टूडेंट्स, जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, देन ऑब्वियसली आप उस समय ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो, बट ये उसका प्रमाण नहीं है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये सही है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? दो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, बट स्टिल इससे ये नहीं प्रूफ होता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये सही है. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी थ्री, दैट इज नीदर, मतलब ये ट्रू ही नहीं होगा, फॉल्स भी नहीं होगा, बट स्टिल आप उसको एक्सेप्ट करोगे बिकॉज नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट किया है. ओके, टू टाइप्स ऑफ एरर्स एसोसिएटेड विथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड विच आर टाइप वन एंड टाइप टू. टाइप टू एरर इज कमिटेड व्हेन, सो जैसे कि हमने देखा कि जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, देन उसमें दो प्रकार के एरर्स हमेशा होते हैं, वो होते हैं टाइप वन एंड टाइप टू एरर्स. सो टाइप टू एरर कब आती है? जब वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हाइल द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू सही है बट इस समय आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर वी रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, अगर नल हाइपोथेसिस सही है बट स्टिल अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, वी एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू. सो नल हाइपोथेसिस ये सही नहीं है और ये फॉल्स है, बट स्टिल आप अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो, या फिर नन ऑफ दिस. सो जैसे कि हमने इसी वीडियो में देखा कि अगर नल हाइपोथेसिस सही नहीं है एंड स्टिल अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, देन इन दैट सिचुएशन टाइप टू एरर आती है, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी थ्री. इफ द अज्यूम्ड हाइपोथेसिस इज टेस्टेड फॉर रिजेक्शन कंसिडरिंग इट टू बी ट्रू इज कॉल्ड. सो अगर अज्यूम्ड हाइपोथेसिस यानी कि प्रेडिक्टेड हाइपोथेसिस, ओके, अगर आप टेस्ट कर रहे हो, ओके, फॉर रिजेक्शन, ओके, फॉर रिजेक्शन के लिए अगर आप टेस्ट कर रहे हो एंड आपने ये भी कंसिडर किया है कि ये सही है, ओके, देन उस प्रकार के हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस. जैसे कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि रिसर्च में जो हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है वो सिर्फ नल हाइपोथेसिस है, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन, दैट इज नल हाइपोथेसिस, बिकॉज नल हाइपोथेसिस ये ऑब्वियसली प्रेडिक्टेड हाइपोथेसिस है ही, बट किसी भी रिसर्चर का गोल यही होता है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को वो एक्सेप्ट करे, बिकॉज नल हाइपोथेसिस उसे बताता है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू, बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसे बताता है कि देर इज डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू, एंड वी वॉन्ट द सेम एक्चुअली, एंड दैट्स वाई कोई भी रिसर्चर यही चाहता है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे, ओके, आफ्टर टेस्टिंग इट, एंड फिर भी वो यही ये भी कंसिडर करता है कि वो सही है, एंड दैट्स वाई वो उसे टेस्ट करता है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस जिसकी वैलिडिटी बेसिकली आप सैम्पल के आधार पर टेस्ट करते हो, ओके. सिंपल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस जो हमें बताता है कि देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड दोज वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके. कंपोजिट हाइपोथेसिस इज द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ओके, बिकॉज इसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल को कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू असाइन नहीं करते हो. सो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे पैरामीटर की एग्जैक्ट वैल्यू असाइन नहीं की जाती है, ओके. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन.
इफ द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड, अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है देन इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, नल हाइपोथेसिस, पॉजिटिव हाइपोथेसिस, निगेटिव हाइपोथेसिस या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू सही है या फिर गलत है। सो दिस इज नॉट द ओनली प्रूफ ऑफ दैट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैज़ द वैल्यू ट्रू और फॉल्स, बट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट बिकॉज नल हाइपोथेसिस को आपने फॉल्स ऐसे प्रूफ किया है एंड दैट्स वाई आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। द टाइप ऑफ टेस्ट इज डिफाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस ऐसा है जिसके आधार पर आप टाइप ऑफ टेस्ट को डिफाइन करोगे, सो वेदर इट इज नल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज सिंपल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वेदर इट इज कंपोजिट हाइपोथेसिस। सो टाइप ऑफ टेस्ट का मतलब होता है कि वेदर ये टेस्ट वन टेल्ड टेस्ट है या फिर टू टेल्ड टेस्ट है, ओके, एंड ये दोनों भी टेस्ट्स बेसिकली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के आधार पर ही तय किए जाते हैं बिकॉज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के दो सब टाइप्स होते हैं जो कि हमने पहले भी देखा है, डिरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डिरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो डिरेक्शनल हाइपोथेसिस ये हमें दोनों भी चीज़ें बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड द डिरेक्शन ऑफ द रिजल्ट्स, कि वेदर वो राइट टेल्ड के लिए जा रहा है या फिर लेफ्ट के लिए, एंड दैट्स व्हाई अगर डिरेक्शनल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है देन उसके लिए आप वन टेल्ड टेस्ट को करोगे बिकॉज वन टेल्ड टेस्ट ये सिर्फ एक ही टेल में जाती है, मतलब एक ही डिरेक्शन में जाती है, वेदर राइट या फिर लेफ्ट या फिर पॉजिटिव या फिर निगेटिव, एंड दैट्स व्हाई ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के आधार पर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी टेस्ट करनी है। एंड अगर नॉन डिरेक्शनल हाइपोथेसिस है जिसमें आप सिर्फ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको इस चीज़ में कोई भी स्टडी नहीं करना है कि वेदर रिजल्ट्स किस डिरेक्शन में जा रहे हैं, देन उस समय आप टू टेल टेस्ट को करोगे जिसमें दोनों ही साइड में यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों भी साइड्स में आप टेस्टिंग करते हो एंड इसमें कोई भी डिरेक्शन की बात आती नहीं है, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थ्री, दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एंड बाकी के ऑप्शंस नल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, कंपोजिट हाइपोथेसिस, ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव डिस्क्राइब टू यू और डिस्कस विथ यू, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।